दुनिया आपको कैसे बेवकूफ बनाती है? क्या आप इमोशनल फूल होते हो? आपसे कोई काम करवा लेता है, आप फंस जाते हो, नहीं करना चाहते हो लेकिन कर लेते हो क्योंकि आप इमोशनल हो। और इस दुनिया में केवल लोग नहीं आते हैं, फैक्ट लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर चंडगिरी करके थोड़ा ही काटेंगे, पर जिस तरह से मैट्रिक्स आपको बांध कर रखती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह से परस्यूड करती है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। भले आप उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हो शौक के लिए, जरूरत के लिए, करो कोई दिक्कत नहीं है, या किसी की बात में आओ भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पता तो हो कि गेम क्या चल रहा है। कई बार बेवकूफ बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि सामने वाले को लगे कि उसका मिशन सही जा रहा है, पर आपको बताओ कि क्या हो रहा है। क्यों आप ये बैग 500 में भी नहीं खरीदोगे? सोचोगे कि यार 400 मिल जाए तो अच्छी बात है, और सेम वही प्रोडक्ट ब्रांड के लोगों के साथ में 5000 में भी खरीद लोगे बिना बार्गेनिंग। क्यों आप किसी का तब भी काम कर लेते हो जिससे आप नाराज हो लेकिन आप मना नहीं कर पाते हो? क्यों कभी रुककर सोचा है जो आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हो उसी पैसे को कमाने के बाद में आप क्या खरीदोगे? और जो भी आप खरीदोगे क्या वो अपनी मर्जी से खरीदोगे या फिर आप इसलिए खरीदोगे क्योंकि आपको प्रोत्साहित किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है? शुरू करते हैं वीडियो को। हर कंपनी ऐड करती है ताकि वो आपके दिमाग में एक विचार प्लांट कर सके, आपके दिमाग में एक अलार्म पड़ सके। वो अलार्म कोई टाइम का हो सकता है, माहौल का हो सकता है, टेस्ट का हो सकता है, या फीलिंग का हो सकता है, ताकि जब भी वो चीज हो तो आपको उस प्रोडक्ट की याद आए। कभी नोटिस करा है कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, चिप्स, पॉपकॉर्न, बॉर्नविटा, जूसेस, इन सबका सच में मन होता है या हमारे सबकॉन्शियस में बिठाया गया है कि ऐसा कोई माहौल हो, हमारी हैबिट में डाल दिया गया है कि ऐसा कुछ हो तो इनकी तलब मचे। मदर टर्की बर्ड्स लविंग और बहुत ज्यादा केयरिंग होती है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, ध्यान रखती है। तो जब भी बच्चा चिप चिप की साउंड निकालता है तब माँ प्यार करती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है। कोई भी बच्चा अगर चिप चिप साउंड नहीं निकालेगी तो माँ उसे इग्नोर कर लेगी या कभी कभी मार भी देती है। चिप चिप साउंड एक अलार्म की तरह है जो माँ को याद दिलाता है कि प्यार करना है, ध्यान रखना है। तो उसके बाद में रिसर्च में ये करा गया कि एक नकली बिल्ली जो है वो टर्की के पास में रखी गई जिसके अंदर से चिप चिप साउंड निकलती है, तो टर्की ने उसका भी ध्यान रखा। जबकि रियल में टर्की बर्ड और बिल्ली जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, साथ में नहीं रह सकते, उसके बावजूद भी चिप चिप साउंड टर्की के लिए इतनी पर्सुएसिव है, साउंड को सुन के इतना काबू में वो हो जाती है कि उसको बिल्ली का ध्यान रखना पड़ रहा है। यह है फिक्स्ड पैटर्न जो हमारे दिमाग में बैठाया जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा करना है। क्या हिप्नोटाइज करते वक्त भी ऐसा नहीं करा जाता है, टिक टिक की या चम्मच की आवाज, जिससे दिमाग में यह डाला जाता है कि अगली बार ऐसी साउंड हो तो मैं जो करवाना चाहता हूं वो आपको करना है। इस तरह के शॉर्टकट्स कंपनीज भी हमारे दिमाग में हल्के लेवल पर डालती है। पे अटेंशन, क्या आप शिकार हो चुके हो? आप क्या सुनकर, देखकर, महसूस करकर उन प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाते हो आपको भी नहीं पता होता। और इस चीज को बोलते हैं शॉर्टकट जो हमारे दिमाग में डाला जाता है कि ऐसा हो तो ऐसा ही करना है, दिमाग लगाना नहीं है। शॉर्टकट मतलब क्या कि चिप चिप की साउंड आती है तो बच्चों से प्यार करना है, चाहे वो बिल्ली हो या अपना बच्चा हो, नींद नहीं आ रही है तो इंस्टाग्राम चलाना है, खाना नहीं पा रहा है तो कैफे में जाना है, ये नहीं हो रहा है तो ऐसे करने लग जाना है, जैसे ये बोर होते हैं स्क्रॉल करने बैठना है। कि ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट्स काम करनी है, शॉर्टकट्स जरूरी भी है। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम हर चीज को शुरू से नहीं कर सकते, इसलिए कई शॉर्टकट्स हमारे काम भी आते हैं कि इस टाइप का कभी भी कुछ हो तो इसका मतलब ये है। ऐसा जब होने लग जाता है तो हमें यह मान देना है, दिमाग नहीं लगाना है, इट सेव्स टाइम। पर इंसान शॉर्टकट में चलने की वजह से, वो शॉर्टकट नहीं जल्दी से पहुंचने वाला शॉर्टकट नहीं, पर इंसान इसी शॉर्टकट में चलने की वजह से बेवकूफ भी बनता है। आपके अंदर कोई और शॉर्टकट बना दे तो दिक्कत है। आपका शॉर्टकट बना है इसको आप विचार भी कह सकते हो, एक शॉर्टकट विचार कि भाई अगर जरूरी होता है तो मदद कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है तो हेल्प कर लेनी चाहिए। और जब भी आपके सामने ऐसा कोई इंसान आता है जिसको जरूरत है तो आप कर लेते हो बिना सोचे, लेकिन कई केस में पता लगता है कि अरे ये तो बेवकूफ बना गया। आपका शॉर्टकट बना है कि यार ऐसी कंडीशन हो तो किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, और ऐसी कंडीशन अगर किसी ने नकली बना ली तब भी आप हेल्प कर लेते हो, यहां दिक्कत है। एक एक्सपेरिमेंट में सारे लोग फोटोकॉपी करवाने के लिए लाइन में खड़े थे, तो रिसर्चर वहां गए और उनसे कहा कि हम पहले फोटोकॉपी करवा सकते हैं क्या? तो केवल 60% लोग ही एग्री कर गए। पर जब रिसर्चर ने यह कहा कि क्या वो पहले फोटोकॉपी करवा सकते हैं क्योंकि हमें बहुत जरूरी काम भी है, तो लाइन में लगे लोगों के दिमाग में एक शॉर्टकट था कि यार कोई जरूरी हो तो हेल्प कर लेनी चाहिए, तो उन्होंने हाँ बोल दिया। 94% लोगों ने इस बारी यस बोला और लाइन पे लग गए रिसर्चर्स के, 94% लोगों ने आगे जाने दिया, फालतू का रीजन दिया और लाइन में लगे हुए लोग बहक गए। उससे ये पता लगता है कि अगर कोई भी हेल्प मांगी जाए और उसमें कारण ऐड कर दिया जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कर दे। और इसी तरह कोई और आपके पास आता है हेल्प मांगने के लिए विद अ रीजन, तो आप पहले चेक करो कि वो रीजन सही है या नहीं है, बेवकूफ बनने से बचो। ये तो हो गया बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन हमारे दिमाग में इन्हीं शॉर्टकट्स का यूज कौन करते हैं? एडवर्टाइजर्स, सेल्समैन अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, और हाँ उधार मांगने वाले भी। मुझे क्यों तोड़ा?
अब देखो ये सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ज्वेलरी शॉप ओनर परेशान होकर वेकेशन पर चली जाती है क्योंकि ज्वेलरी जो है वो बिक नहीं रही होती है। वो इसलिए नहीं बिक रही होती है क्योंकि वो जो शॉप है वो टूरिस्ट प्लेस पर थी। शॉप ओनर वेकेशन पर जाने से पहले अपने स्टाफ को नोट लिखकर जाती है कि ये सारे ज्वेलरी पीसेस हाफ प्राइस में बेच देनी है। क्या सोचा होगा कि हाफ प्राइस में बेचोगी तो कुछ तो बिक ही जाएगा, मेरे वेकेशन का खर्चा निकल जाएगा, मारवाड़ी होगी शायद। बट जब स्टाफ ने वो लेटर पढ़ा, राइटिंग समझ नहीं आई, हाफ प्राइस की जगह उन्होंने ये पढ़ लिया कि डबल प्राइस में बेचना है, और स्टाफ ने बोर्ड पर डबल प्राइस लगा दी। आपको लग रहा होगा डबल करने के बाद तो और नहीं बिकी होगी, लेकिन ऐसा करने से उस ज्वेलरी शॉप के सारे पीसेस डबल प्राइस में बिक गए। ओनर वेकेशन से वापस शॉप पर आती है और शॉक हो जाती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। हमारा दिमाग शॉर्टकट पर चलता है। एक शॉर्टकट हमारे दिमाग में ऑलरेडी है जो सबके दिमाग में है कि ज्यादा प्राइस मतलब चीज अच्छी होगी, एक्सपेंसिव मतलब गुड। टूरिस्ट प्लेस पर वो शॉप थी, वहां आते जाते लोगों ने देखा कि यार क्वालिटी अच्छी होगी यार, अच्छी प्राइस है, तो वापस पता नहीं कब आएगा, अभी ले लेते हैं, और उन सब ने खरीद ली। आपने नैनो कार के साथ देखा होगा कि उसकी प्राइस 1,00,000 रुपए होने की वजह से कई लोगों ने इसको स्टेटस से ऐड कर दिया कि 1,00,000 की कार है तो 1,00,000 जैसे ही होगी। लोग ब्रांडेड चीजों के ज्यादा पे क्यों करते हैं, ये गुच्ची अरमानी लुई विटो क्यों ज्यादा पे करा जाता है? ऑफ कोर्स वैल्यू होगी, लेकिन कई चीजें ओवर प्राइस भी होती है फिर भी पे करा जाता है। इससे कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। जिस तरह से हमारे दिमाग में विचार ट्रिगर होते हैं वैसा हम एक्ट करते हैं। हमारे दिमाग में है कि भाई महंगी है तो चीज अच्छी होगी, प्रीमियम होगी, खरीद लेते हैं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स की हद जानना आपका दिमाग हिल जाएगा। किस लेवल तक आप मैनिपुलेट होते हो लोगों से और दुनिया से। बात हो रही है कि कैसे कंपनीज आपको मार्केटिंग से अट्रैक्ट करती है, तो इससे रिलेटेड आप कुकू एफएम पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसे ऑलरेडी 48,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। साथ में ही बिजनेस स्ट्रेटजीज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर शो को भी आप सुन सकते हैं। दोनों शोज को सुनकर आपको मार्केटिंग, बिजनेस, कंपनी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद यूज करता हूँ, और रिसेंटली एक डेटा से पता लगा कि हमारे हजारों सब्सक्राइबर्स ने कुकू एफएम से डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू कर लिया है। इन 7 दिन के दौरान आप कुकू एफएम प्लेटफॉर्म के कोई भी शो सुन सकते हैं जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शोज शामिल है बिल्कुल मुफ्त में। ऑफर बहुत तगड़ा है, तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में भी शेयर करो। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो अभी जाकर के अवेल करें। और हाँ, 7 डेज फ्री ट्रायल के बाद में सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, अभी जाकर के फायदा उठाओ। स्पेशल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के सुनो वो ऑडियो बुक जो आपको मैंने रिकमेंड करी है। अब आ जाओ अपनी वीडियो की तरफ। अब जानते हैं हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के बारे में। एनिमल के एक ग्रुप को मिमिक्स कहते हैं, जो दूसरे एनिमल के ट्रिगर फीचर्स को कॉपी करते हैं अपने शिकार को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि उसको वो खा सके, उसका फायदा उठा सके। फायर फ्लाइज की 2 प्रजाति होती है, फोटोरिस यानी कि किलर फीमेल, किलर फीमेल यूज करूंगा वर्ड में याद रखना, और फोर्टिनस जो कि मेल होता है। ये मेल कभी इन किलर फीमेल्स के साथ में रिलेशन नहीं बनाते, लेकिन इन किलर फीमेल फायरफ्लाइज को इन मेल्स को खाना बहुत पसंद है। अब कैसे अट्रैक्ट करती है मेल्स को देखना। कई सालों तो किलर फीमेल्स क्या करती है, मेल फायरफ्लाइज के कोर्टशिप कोर्ट्स को नोटिस करती है कि वो फीमेल को मेटिंग के लिए इन्वाइट करने के लिए क्या सिग्नल देता है, और बदले में फीमेल्स जो है वो क्या रिस्पॉन्स देती है। इन दोनों के बीच के कोर्ट्स को किलर फीमेल नोटिस करती है और सीखती है, और कॉपी करके किस तरह से यह मेल फायरफ्लाइज अट्रैक्ट होता है, वो सेम कॉपी करके इसको बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बहाने से इसको खा लेती है, यानी कि झूठा मुकोटा पहनकर खा लिया। और पता लगाने में मेहनत भी कर रही है कि इसको कौन सा मुकोटा पसंद है। वो मुकोटा पहनकर बेवकूफ बनाया गया मेल को, यानी कि वही मुकोटा पहन करके मेल को अट्रैक्ट करा गया जो मेल पसंद करता है। ये तो हो गया कीड़ों की बात, लेकिन क्या इंसान ऐसा करता है? क्या सरकार ऐसा करती है? क्या सरकार ऐसे बेवकूफ बनाती है? क्या इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं? कौन रियल है और कौन आपको क्या पसंद है वो पूरा बंद कर आपके सामने खड़ा है, आपको नहीं पता। वो एक इंसान हो सकता है, वो पूरी कंपनी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है। हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का कहां फायदा उठाया जा रहा है? कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? कौन परस्यूड कर रहा है? क्या इसी तरह से सोशल मीडिया इंडस्ट्री लोगों का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पता करके उनको कंट्रोल नहीं कर रही है? क्या कोई आपको गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है वो पर्सनालिटी बनकर जो पर्सनालिटी आपको पसंद है? यहां तक तो हो गई हमारी छोटी मोटी बातें, अब एंटर करते हैं डार्क साइकोलॉजी में। कई बार आपको लगता है कि आपको पता है, पर आपको पता नहीं है, आपको बताया गया है ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में और जानने की कोशिश ना करो और रियल कहानी से दूर रहो। कल्चरिस्ट और ऑथर लियो रॉस्टिन ने क्या बताया, 2 भाई थे लियो और हैरी, दोनों टेलर्स थे। जब भी कोई कस्टमर इनकी दुकान पर आता तो लियो बहरा बनने की एक्टिंग करता, कुछ भी इनसे बात करता पूछता तो वो जोर से बोलने के लिए कहता कि जोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे ही कस्टमर को कोई सूट पसंद आता तो लियो प्राइस पूछने के लिए हैरी के पास जाता कि ये कितने का देना है मुझे। तो लियो क्योंकि बहरा है, बहरा बनने की एक्टिंग कर रहा है, तो हैरी क्या करता है कि जान करके प्राइस ज्यादा बोलता है। जैसे मान लो $44 बोल दिया उसने, तो लियो भी क्या करता है कि जान करके $22 सुन लेता है, और ये सब होते हुए कस्टमर्स देख लेता है। कस्टमर सोचता है कि इसने केवल $22 ही सुना है जबकि प्राइस तो $44 बोली है उसने। तो कस्टमर्स क्या करता था कि जल्दी से खरीद कर निकल जाता था बिना बार्गेनिंग कर।
करिए बिना बोले कि इस और कम हो सकता है क्या। ऐसे कितने सच है जो आपसे छुपाए जाते हैं इसी डार्क साइकोलॉजी को इस्तेमाल करके। ये तो हो गया कि एक बात को दिखाई जाती है, उसके बाद में एक बात को छुपाई जाती है, हाइड रखी जाती है। पर एक गेम ऐसी भी है जिसमें दोनों बातें बताई जाती है और इस तरह से दिखाई जाती है जिससे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। एग्जाम्पल, अगर आप मेरी वीडियो को बहुत देर तक 2x में देखती हो, दोगुना स्पीड में दौड़ाकर देखते हो बहुत टाइम तक, तो उसके बाद में आप 1x में लगा के देखोगे वापस, तो आपको बहुत स्लो लगेगी। कंपेरेटिवली कंपेयर करते हैं आप, जिम में अगर आप पहले 10 kg का वेट उठाते हो, उसके बाद में आप जाते हो 20 kg को उठाने के लिए, तो आपका 20 kg ज्यादा लगेगा। वही अगर पहले 30 kg उठा लेते हो, उसके बाद में 20 kg उठाते हो, तो 20 kg कम लगेगा। कंपेयर करते हैं, ना चाहते हुए भी इंसान जो है वो कंपेयर करता रहता है और इसी चीज की वजह से उसको मैनिपुलेट किया जाता है। आप शॉप गए हो और आपको पहले ही शानदार जैकेट दिखा करके 5,000 की बेच दी जाए, तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 1,000 रुपए की या फिर 500 रुपए की एक्सेसरीज भी खरीद लोगे, जैसे कि बेल्ट है, वॉलेट है, ये चीज आप आसानी से खरीद लोगे, सस्ती भी लगेगी। वही अगर पहले 500 का कुछ खरीदते तब आपको 5,000 की जैकेट महंगी लगती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फर्स्ट परचेस एक्सपेंसिव करने से बाकी चीजें आपको सस्ती लगने लगती है, फिर आप इंपल्सिव शॉपिंग करने लग जाते हो। अगर सेल्समैन आपको सस्ता कुछ दिखाए तो एक्सपेंसिव सूट उसके सामने एक्चुअल में जितना है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल मूवी में सबसे ज्यादा यूज होता है उस दूसरे शांत सीन की वजह से, वो जो एग्रेशन वाला सीन है वो और एग्रेसिव रखता है। अब आप नोटिस करना हमारी बात किस तरफ जा रही है। आपको कोई भी चीज ज्यादा या कम तब लगती है जब आपको पहले कुछ दिखाए जिससे आप कंपेयर करने लग जाओ। यही पैटर्न थोड़ा सा बदल कर और जगह भी यूज होता है, जिसे रेसिप्रोकेशन कहते हैं। इन्फ्लुएंस बुक के ऑथर रॉबर्ट सियाल्डिनी, इन्होंने देखा किसी भी रेस्टोरेंट वेटर बिल लेकर आता है और अगर वो अपने साथ में कोई छोटी मोटी चीज लेकर के आता है जैसे टॉफी है, माउथ फ्रेशनर है, तो 23% चांसेस बढ़ जाते हैं टिप के मिलने के। इंसान रिटर्न में कुछ देना चाहता है जब उसे दिखता है कि उसके लिए भी कुछ किया गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो 5-star में मीटिंग रखते हैं ताकि सामने वाले के साथ में जो डील चल रही है वो उनके फेवर में आ सके, वो सोचेगा कि यार ये मेरे लिए इतना कर रहा है। तो ये भी एक ऑर्डर रिस्पॉन्स की तरह ही है कि कोई चीज आपसे करवाने के लिए आपको वो दिखाई जा रही है जिससे आपको लगता है कि मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि वो 5 प्रूवन डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स जो आप लाइफ में यूज कर सकते हो या फिर कोई आप पे कर रहा है तो ध्यान रखना। बट डिस्क्लेमर, ध्यान रखना कि इसको सही से यूज करना, और अगर कोई तुम पे यूज कर रहा है तो सही से उस पर ध्यान भी रखना कि चीजें तुम्हारे लिए खराब ना हो। मोस्ट डिस्क्लेमर यह है कि आप गलत इसका यूज ना करो, बिकॉज मैं मानता हूं अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे मकसद पर हो बेसिक। सो चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज लव बॉम्बिंग। एक स्टोरी समझते हैं रिया नाम की लड़की की। रिया नाम की लड़की है बहुत स्वीट, लाइक बचपन से काफ़ी अच्छी रही, लेकिन उसको ना अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं मिला, उसको उतना अटेंशन नहीं मिला। वो ना लोगों की क्रेविंग के, लोगों के अपनापन को फील करने के लिए बहुत तरस गई। इसका मतलब वो इमोशनली थोड़ी सी खाली थी, और मेजॉरिटी में से हम लोग ऐसे ही होते हैं। हमारी ज़िंदगी हम ना फुलफिल फील नहीं करते, बहुत बार हमें लगता है कुछ छूट रहा है, और इस चक्कर में वो इमोशनली थोड़ी सी अनफुलफिल रही, उसको प्यार की कमी मिला, माँ बाप ने उसको कभी वो अटेंशन नहीं दिया, तो वो बड़ी हो गई समय के साथ, बड़ी हुई। उसके बाद एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है और वो लड़का बहुत शातिर है। वो समझता है इस चीज़ को कि इसे कभी प्यार नहीं मिला, इसे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, इसे कभी इतना प्यार इसने देखा ही नहीं एक्चुअली में। और वो क्या करता है, प्यार की बौछार, प्यार का सारा जो चीज़ है उसको देना शुरू कर देता है। वो लड़की भी ओवरवेल्म होने लगती है, इतना अट्रैक्टिव फील करती है, माय गॉड इतना प्यार मैंने कभी नहीं देखा। और चूंकि वो अकेली थी, उसको लोगों से वैलिडेशन चाहिए था, उसको उस लड़के से वैलिडेशन चाहिए था, तो वो उस लड़की की हर बात मानने लगती है। और लड़का यही चाहता है, उसके ऊपर लव बॉम्बिंग करता है। लव बॉम्बिंग का मतलब इतना प्यार का बौछार करना, इतना करना, इतना करना कि सामने वाला कभी कभी ये सोचता है कि मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों बरसा रहा है। और वो लड़की रिया थोड़ी सी सीधी थी, वो नहीं समझ रही थी इस चीज़ को, और लड़का उससे जो चाहता था वो उससे निकलवा रहा था, लाइक उसकी फिजिकल सेटिस्फैक्शन लड़के की हो या पैसे निकलवाने हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। और रिया अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठ गई थी, वो ये नहीं देख पा रही थी कि ये लड़का बहुत शातिर है एक्चुअली में, और वो उसके प्यार में गिरते चली गई। और लड़के का जब मकसद पूरा हो गया एक समय के बाद, लड़का छोड़कर उसको चला गया और रिया की हालत खराब, शी इज अबाउट टू सुसाइड। और ये हम में से मेजॉरिटी लोग की कहानी है। हम ना खुद को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई आएगा हमें प्यार करेगा, हमें अपना फील कराएगा, हम इसी का इंतजार करते हैं, और इसको कोई बहुत जल्दी फायदा उठा लेता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोई आपके ऊपर लव बॉम्बिंग तो नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लो आप पहले मीट में किसी से मिलती हो, हद से ज्यादा प्यार दिखाना, हद से ज्यादा अट्रैक्शन देना, हद से ज्यादा अटेंशन देना, आप बोल रहे ही इज नॉर्मल और वॉट, इतना क्यों प्यार कर रहा है। एक लॉजिकल इंसान समझ जाएगा, लेकिन एक इमोशनल इंसान नहीं समझेगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोई आपके साथ खेल तो नहीं रहा है,
कोई आपका फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा है। और यही होता है लव बॉम्बिंग को समझना। अगर क्या होता है, रिया खुद में कॉन्फिडेंट होती, वो बोलती कि ठीक है कोई आए कोई जाए, आए तो अच्छी बात है, हम एक और एक 11 बन जाएंगे, लेकिन मैं कमी नहीं फील करती हूँ, मैं खुद में सेटिस्फाई हूँ, खुद से जिंदगी के साथ में खुलकर जीती हूँ। और इमोशनली वो कभी खाली नहीं होती, तो कोई उसको भरने के लिए इतना उसका फायदा नहीं उठाता। और ये हम सबकी कहानी है, आपकी भी होगी, आपने ये चीज़ किया होगा, किसी के ऊपर हद से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो गए थे। मेरा भी एक वक्त आया था कि मैं अपनी पावर ही भूल गया था, अपना कि मैं क्या कर सकता, और मैं बोल रहा था और मैं सारी वैलिडेशन एक लड़की से ढूंढ रहा था, एक इंसान से ढूंढ रहा था, कोई मुझे दे दे आकर, कोई मुझे एक्सेप्ट फील करवा दे, कोई मुझे अपना फील करवा दे। क्यों? सो कुछ भी हो जाए, अपने आप को इमोशनली फुलफिल रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा गाओ, अच्छा नाचो, अच्छा काम करो, इंजॉय करो, ताकि तुम खुद में सेटिस्फाई हो, कोई आएगा तो तुम दोनों मिलकर और चीज़ों को बड़ा करोगे, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन जाओ। और ये लव बॉम्बिंग सिर्फ प्यार मोहब्बत में वैलिड नहीं है, बहुत जगह कहीं भी देखो कि लोग तुम्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं ना, तो एक बार रुको और सवाल करो, क्या रीजन है, क्यों ये इतना ज्यादा ऐसा कर रहा है, मतलब जो तुम्हें अननेचुरल लग रहा है, मतलब नेचुरल ठीक है, स्लो प्रोसेस के साथ हो रहा है तो अच्छा ऐसा ही है, पर तुम्हें एक अननेचुरल की बू आ रही है, स्मेल आ रहा है, तो यू आर और यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू गेट डाउन की चीजें कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, गैस लाइटिंग, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, हर जगह वैलिड है। गैस लाइटिंग का सिंपल मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब इसको पहले एक एग्जांपल समझते हैं तुम ज़्यादा समझ पाओगे। मान लो मेरा नाम राज है, मैं किसी प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, प्रिया बहुत लॉयल है, बहुत मुझसे प्यार करती है, वो थोड़ा सा बहुत चीज़ें मेरी फुलफिल नहीं कर रही, मैं एज अ बॉय थोड़ा ज़्यादा रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उससे डिमांड कर रहा हूँ, बट शी इज़ नॉट फॉर दैट। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बिना बताए उसको धोखा देने के लिए सेकंड में रिलेशनशिप चलाने लगता हूँ साइड से, और इवन चीज़ें इतनी गड़बड़ कर लेता हूँ मैं रिया से कि मैं दूसरी वाली लड़की के साथ फिजिकल होकर भी आ जाता हूँ, तो प्रिया को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है, वो आग बबूला, मतलब कि होता है ना कि इतना क्या बिगड़ गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर पाए, क्या हमारा चीज़ इतना ख़राब है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, तुम इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपनी गलती माननी चाहिए कि कितनी भी चीज़ें खराब हो, मुझे प्रिया के साथ बैठना था, बातें करनी थी, चीज़ों को शॉर्ट आउट करना था, लेकिन मुझे स्टेप नहीं लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मैं अगर ये करे बिना ये उसको फील कराता हूँ कि देखो मैंने जो फिजिकल होकर आया ना, मैं तुम्हारी वजह से होकर आया, तुम मुझे प्यार नहीं देती, तुम मुझे अटेंशन नहीं देती, तुम्हारी वजह से मैं सब कर रहा हूँ, तो इससे बोलते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का सिंपल मतलब होता है कि कोई इंसान अपनी गलती को आपके ऊपर डाल रहा है इमोशनली फॉल्ट बताकर कि ये आपकी वजह से हुआ, और इससे क्या होगा पता है, आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। यहां पर अगर प्रिया अवेयर नहीं होती, डार्क साइकोलॉजी के बारे में नहीं समझती, तो वो क्या बोलती है, हाँ यार मैं ही ना राज को प्यार नहीं देती हूं, मैं ही राज को अपना नहीं फील कराती, इसलिए वो दूसरे के पास चला गया। क्यों गया? कुछ भी हो, लिमिट हैज टू बी डिसाइडेड, लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, और ये राज ने गलती की है, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इस तरह गैस लाइटिंग काम करता है। तो गैस लाइटिंग सिर्फ यही काम नहीं करता, कहीं भी आप देखो अपनी लाइफ में कोई आपको इमोशनली घुमा तो नहीं रहा है, कोई आपको अपनी गलती को छुपाने के लिए आपके ऊपर गिल्ट ट्रिप तो नहीं डाल रहा है, भाई तू पता है तेरी वजह से मैं यहां नहीं आता, तेरी वजह से ना माँ बाप मुझसे बात नहीं करते, अरे माँ बाप की प्रॉब्लम है वो समझे, मैं क्यों उसमें गिल्ट में हूं। तो ये तभी होगा जब अवेयर रहोगे, जब आप अपने आप को ओन करोगे, नहीं तो कोई आएगा आपको गैस लाइट करेगा। गैस लाइट का मतलब समझो ना, दो वर्ड से बना है, गैस और लाइट, मतलब कोई गैस लाइट जला रहा है मजे ले रहा है, गैस लाइट जला रहा है मजे ले रहा है, और आप अवेयर नहीं हो अपने आप को कमजोर समझोगे। तीसरा हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है समझो, एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि मुझे एग्जांपल देने में बड़ा मजा आता है। मान लो एक रोहन नाम का लड़का है, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे लोगों का नाम लेता हूं, तो दिल पे मत लेना, एग्जांपल से रिलेट करो, दिल पे मत लेके बोलना कि रोहन ऐसी ऐसी है ऐसी, ये सब मत करना, समझने की कोशिश करो क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ज्यादा। मान लो रोहन नाम का लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज, बचपन से IIT क्लियर, IIM क्लियर, टॉप क्लास जॉब, सीनियर मैनेजर CEO बनने वाला है। तो हेलो इफेक्ट कहता है कोई इंसान अगर एक्स काम सही करता आया है तो वाई काम भी वो सही करता आएगा। तो माँ बाप उसके देखते हैं कि अगर ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, डिसिप्लिन है, लोगों से अच्छे से बात करता है, इसकी सब कुछ अच्छा है, ये जॉब अच्छा कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, इज्जत अच्छी है, तो लड़का भी अच्छा होगा, शादी भी इसकी अच्छी लड़की से करवा देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है उसका शादी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। वो लड़का यहां से तो बहुत स्मार्ट था, वो इंटेलेक्चुअल तो बहुत था, पर इमोशनली बहुत भी, वो लड़कियों के प्यार करने के तरीके को नहीं समझता था, वो कम्युनिकेशन को नहीं समझता था, वो लड़कियों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं उसे नहीं पता था, वो एम्पैथी नहीं जानता था, इस वजह से उसकी अपनी वाइफ से नहीं बनी और उसका शादी टूट गया। यही होता है हेलो इफेक्ट। ये मत जज करो कि अगर ये चीज होता आया है तो आगे भी यही काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो ना,
कोई बंदा है जो बैकएंड पे बहुत अच्छा काम करता है, यू नो कंप्यूटर अच्छा चलाता है, लोगों से अच्छा बनाता है, सब अच्छा कर रहा है, तो उसके बॉस ये समझते कि लड़का अगर सब काम अच्छा कर लेता है, सब संभाल लेता है, तो वो सेल्स भी अच्छा कर लेगा, उसको सेल्स में बिठा देते हैं फ्रंट पे। बट जिनके साथ उनकी सेल्स डील है वो 20 लाख का सेल है, पर चूंकि उस बंदे को सेल्स का कोई आइडिया नहीं है, पर सब उसको समझते हैं ये बंदा अच्छा है, ये बात कर लेता है, बैकएंड में बहुत अच्छा करता है, सिस्टम अच्छे से मैनेज कर लेता है, तो ये सेल्स में भी अच्छा होगा, टॉकिंग भी अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, जो होना था सेल्स में वो फेल हो जाता है, कंपनी को 20 लाख रुपए का सेल्स का झटका मिलता है, बॉस सदमे में है, मैंने ऐसा गलती क्यों किया, लेकिन बॉस इस हेलो इफेक्ट को नहीं समझ रहा है। तो आपको भी ये बस सीधा नहीं समझना है कि कोई काम कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तो ये काम वो बाकी काम भी अच्छा कर ले। जैसे मान लो कि आपने किसी जॉब के बारे में सुना, बहुत अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, अरे बहुत पैसे देता है, अरे एचआर बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, आप ये समझ के ये समझ लेते हो कि अगर इसका एचआर अच्छा है, इसका फाइनेंस अच्छा है, तो इसका मार्केटिंग टीम भी अच्छा हो, आप मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर लेते हो, आपको 3 दिन बाद पता चलता है ये तो बहुत बड़ी स्कैमर कंपनी है, ये तो ठक ठक के पैसे बना रही है। तो रुको और हर चीज को सवाल करो, लिंक मत करो, डिसीजन जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हुक नहीं होना चाहिए, इसी को एंकरिंग भी बोलते हैं। एंकर क्या होता है, जहाज पे देखा है एंकर बड़ा सा होता है शिप का, उसको फेंक के जहाज को वहीं रोकने के लिए यूज करते हैं। तो आपको भी अपने डिसीजन मेकिंग में रुकना है, सवाल करना है, ये नहीं कि अगर पास्ट में चीज होता है, चीज हर जगह वैलिड होता है, यहां भी होगा, नहीं, सवाल करो। और सवाल करने के लिए तुम्हें एक पावर को समझना पड़ेगा कि तुम्हें इस मोमेंट में जीना सीखना पड़ेगा, तुम्हें पावर ऑफ नाउ समझना पड़ेगा, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की मास्टर हासिल करनी पड़ेगी, वरना तुम हर वक्त हड़बड़ी में ही रहोगे हर वक्त। रुको सवाल करो, रुको सवाल करो, इसके लिए तुम एक अच्छी बुक उठा सकते हो, बहुत ही पावरफुल बुक है, द पावर ऑफ नाउ बाय ईकार्ट टोल, बहुत प्यारी बुक है, तुम पावर समझोगे कि क्यों मुझे रुक कर सवाल करना है, क्योंकि तुम्हारी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तुम हर वक्त हड़बड़ी में रहते होगे, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते होगे, बाद में पछताते होगे मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, पर रुको और सवाल करो। ये मैं भी अब प्रैक्टिस करता हूं, मेरे डिसीजंस काफी बेटर हो गए पहले से। फोर्थ वन, डिकॉय इफेक्ट। कभी सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न लेने की कोशिश किया है, जब इंटरवल होता है तो आपने एक चीज देखा होगा, स्मॉल साइज के पॉपकॉर्न का प्राइस होता है 100 रुपए, बड़े वाले का 220 रुपए, मीडियम वाले का 200 रुपए। तो आप सोचते हो कि अगर स्मॉल 100 में आ रहा है और मीडियम 200 का, तो क्यों ना मैं 20 रुपए और लगाकर ये बड़ा वाला खरीद लूं ना, ऑब्वियसली सेंस भी बनता है। और एक्चुअली में वो मूवी हॉल आपको वो बड़ा वाला ही बेचना चाहती थी, पर जो बीच वाला ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं डिकॉय, मतलब कोई काम का ऑप्शन नहीं पर रखा जाता है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहां मैं एक फोटो लगा रहा हूं, बताओ कि तुम कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, एक है $32 का प्रिंट सब्सक्रिप्शन, एक है इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, एक है इंटरनेट प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन। तुम देखोगे इंटरनेट वाला जो सब्सक्रिप्शन है और इंटरनेट प्लस प्रिंट का जो सब्सक्रिप्शन है, दोनों का प्राइस सेम है। तुम बोलोगे आदित्य मैं क्यों ही लूँ, स्मॉल लेने का कोई फायदा नहीं, और जब बड़ा लेना है तो सबसे बड़ा लूंगा, मीडियम क्यों लूंगा, तो सेम प्राइस का है और इसमें मुझे दोनों ऑफर मिल रहा है तो मैं तो वही लूंगा ना। और यही तो होता है, जब सर्वे किया गया तो यही पाया गया 100 पार्टिसिपेंट के ऊपर, उसमें से 16 लोगों ने शॉर्ट वाला लिया और 84 ने बड़ा वाला लिया, बीच वाला किसी ने नहीं लिया। और कंपनी को पता है वो जानबूझ के इस ऑप्शन को रखते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा वाला बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके सामने सिर्फ स्मॉल और बड़ा रख दिया गया तो आप बोलोगे बड़ा बहुत प्राइसी है, स्मॉल ही सही ले लेते। लेकिन डिकॉय रखने से आपका दिमाग सडन नए पैटर्न बनाता है, बोलता है कि यार ये क्यों ही लेना, बड़ा लेते हैं फायदा है, बीच वाला तो मैं लूंगा नहीं। और ये हर बार आपके साथ होता है, और हम ह्यूमंस कंपैरिजन पे ही चलते हैं। आप कितने बोलो कि मैं कंपेयर नहीं करता हूं, मैं कंपेयर नहीं करता, मैं ठीक हूं, इसीलिए मैं अपने वीडियोज में बार बार चिल्ला के बोलता हूं कि आपको कंपेयर तो करना है, लेकिन ध्यान रखना है खुद के साथ, खुद के साथ करो कम। जैसे कि आप भी अगर कोई कमेंट मेरे ऊपर लिखते हो मेरे वीडियो के ऊपर कि आदित्य सर बहुत अच्छा वीडियो था, मजा आ गया, आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप YouTube पे बहुत सारे क्रिंज कंटेंट देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आ जाती है क्रिंज में, तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन बना रहे होते हो कि आदित्य का वीडियो उसके कंपेयर में काफी अच्छा है। या फिर आपको कोई कार लेना है, आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि लूंगा ना फरारी लूंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये सब मारुति वारुति ना मिडिल क्लास है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा हायर में चाहिए। आप कंपेयर हर वक्त कर रहे हो और इस चीज का फायदा कंपनी बहुत अच्छे से उठाती है। लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक, दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट। हम इंसान वायर्ड हैं भीड़ को फॉलो करने के लिए। एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि आप दिल्ली की किसी गली में भटक गए, ठीक है, अब आपको नहीं पता कहां निकलना, तब क्या करोगे पता है, आप एक देखोगे बहुत सारा भीड़ जिस तरफ जा रहा है, उस भीड़ के पीछे पीछे लग के उसके पीछे पीछे चले जाओगे, और आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि जहां भीड़ जा रही होगी वो बाहर की तरफ ही जा रही होगी, मैं भी निकल ही जाऊंगा, इसी को बोलते भीड़ को फॉलो करना। तो आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले हमारा सर्वाइवल, हमारा जिंदा होने के चांस इसी पे डिपेंड था कि हम लोगों के साथ कैसे मिला के चलते हैं। अगर हम अपने ट्राइब के खिलाफ थोड़ा भी बगावत करते, हमें ट्राइब बाहर निकाल के फेंक देता। और ट्राइब से बाहर निकलने का मतलब पता है,
आपको कोई जंगली शेर मार के खा जाता, आपको कोई दूसरा ट्राइबल अटैक कर देता, अकेला रहना सबसे बड़ा खतरनाक काम था आज से हजारों साल पहले। लेकिन आज की दुनिया सेफ है, आज आप डिसीजन मेकिंग खुद के लेते हो, और तभी बहुत सारा पैसा नाम फेम बनाना इतना मुश्किल है। क्यों है पता है? क्योंकि वहां पर अकेले चलना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, अकेले सोचना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, अकेले रातें मरनी पड़ती है, अकेला दिन रात एक करना पड़ता है, जहां मेजोरिटी लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको भीड़ में रहने की आदत है। तो इस साइकोलॉजिकल हैक के अकॉर्डिंग आपको हर बात भीड़ की नहीं माननी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, रुकना है, सवाल करना है, रुकना है, सवाल करना है, क्या ये भीड़ कर रहा है सही है, पर क्या ये मेरे लिए सही है। जैसे कि मान लो आप कोई मैच देख कर रहे हैं, हजार लोग बोले विराट कितना घटिया खेला, विराट एकदम घटिया प्लेयर है, तुम्हें बेवकूफ की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, वरना तुम्हारा इस चैनल को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें रुकना और सवाल करना है कि अच्छा विराट ने अच्छा नहीं खेला, हो सकता है उसका फॉर्म गलत हो सकता है वो स्ट्रोक जो खेलना चाह रहा हो बॉल का एंगल उस तरह से नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा, रुक कर सवाल करो, जस्ट एज इट इज मत मानो। आज की दुनिया इंडिपेंडेंट लोगों की है, खुद पे भरोसा रखना सीखो, खुद के डिसीजंस लेना सीखो, लोगों की सुनो सब करो, लेकिन जब डिसीजन लेना है खुद के लिए खुद डिसीजन लेना सीखो। तुम खुद देखोगे गेम तुम्हारे लिए पूरी तरह चेंज हो रहा है, इस तरह ये बैंड वैगन इफेक्ट काम करता है। इस पर एक और लास्ट एग्जांपल सुन लो, तुम पूरा रिलेट कर लोगे। बिग बिलियन डे देखा है फ्लिपकार्ट का, वहां पे क्या होता है कभी नोटिस किया है? वो क्या बोलते हैं, इंडिया शॉपिंग कर रहा है, आप कहां है, सेल चल रहा है, जल्दी ले लो। क्या वो इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो इतना सारा भीड़ ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तुम क्यों पीछे हो, तुम भी आ जाओ ना। या फिर एक आपने लाइन सुना होगा, डेंटिस्ट नंबर वन रिकमेंडेड टूथपेस्ट, मतलब सारे डेंटिस्ट का सुझाव। क्या कह रहे हैं कि सारे डेंटिस्ट की कम्युनिटी की बात बोल रही है तो गलत तो नहीं होगा, तुम्हें भी करना चाहिए, लेकिन तुम रुक के बोलोगे जो डेंटिस्ट बोल रहा है बोलने दो, मेरे दांतों में सड़न है नहीं, मेरे दांतों में तो सेंसिटिविटी है, तो मुझे सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट चाहिए ना कि सड़न के लिए। इस तरह तुम रुक के सवाल करते हो, भीड़ को फॉलो नहीं करते हो। तो कैसे लगे सारे के सारे डार्क साइकोलॉजिकल हैक मुझे जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तुम्हें पता है ये बात। शेयर जरूर करो व्हाट्सएप के ऊपर, सबको अवेयर करो, तुम्हें पता है कितने पावरफुल वीडियोस जाते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। और साथ में सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियोस को चेकआउट कर लेना, और लगे कि वीडियोस तुम्हारी हेल्प कर रही है तब सब्सक्राइब कर लेना। लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए, आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आपकी जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो में हम लोग 7 ऐसे टेक्निक्स देखने वाले हैं जिन्हें यूज करके लोग जाने अनजाने आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आज इसके साथ साथ मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करने वाला हूं जहां से मुझे मैनिपुलेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इतना सब सीखने मिला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा हूं तो आप गलत हो, ये बुक उससे भी ज्यादा तगड़ी है। तो सिट बैक, रिलैक्स और ध्यान से हर एक पॉइंट को बारीकी से एंड तक जरूर सुनना और समझना। नंबर 1, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक है जहां पे सामने वाला इंसान आपके दिमाग में एक डाउट भरता है, आप खुद की मेमोरी को, आपके चीजें देखने के नजरिए को, और कभी कभी तो अपनी खुद की सोच पे भी डाउट करने लगते हो। तो बहुत से लोग इस टेक्निक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब सामने वाला अपने खुद के शब्दों में अटक जाता है तब उसका माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है, और फिर ये लोग अपने विक्टिम से जो भी काम करवाना है वो करवा सकते हैं, और वो भी इजीली। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए जिसमें गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सामने वाले ने सिचुएशन को ऐसे घुमाया और एंड में ये एस्टैब्लिश कर दिया कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे, आपने चीजों को ठीक से सुन के नहीं लिया, तो वो बंदा गैस लाइटिंग कर रहा है। और ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि गैस लाइटिंग इनके बिहेवियर में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि इनको खुद को कभी समझ में नहीं आता कि ये सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नंबर 2, रिवर्स साइकोलॉजी। अब रिवर्स साइकोलॉजी जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ही इजी वो समझने में भी है। यहाँ पे सामने वाला आपसे वो चीजें करने को कहता है जो उसे नहीं करवानी। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको बताना है कि कोक पीना बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है तो मैं आपको कहूंगा कि दिन में 10 बार कोक पियो, सुबह शाम दिन रात बस कोक पियो, पानी को फेंक दो, बिल्कुल छूना भी मत, पूरी जिंदगी निकाल लो कोक पी पी के। अब ऐसी बात सुनने पे किसी का भी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होता है कि वो उस चीज को अवॉइड करेगा और उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट करेगा। इसीलिए तो रिवर्स साइकोलॉजी इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम भी करती है। आपने ये चीज अपने फ्रेंड सर्कल में कभी ना कभी नोटिस की रहेगी कि जब भी आप किसी बंदे को कहते हो कि तू रहने दे भाई, तू मत ही कर, तुमसे ना हो पाएगा, तो वो बंदा उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझ के आप इस दुनिया से ऐसी ऐसी चीजें करवा के ले सकते हो जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और देखा जाए तो ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इन्हें अगर आप सही से यूज करो तो ये काफी तगड़ी टूल हो सकती है, लेकिन अगर गलती से भी गलत तरीके से यूज करो तो उससे भी ज्यादा डेंजरस वेपन जैसा काम करती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मैनिपुलेशन इसलिए नहीं सीखना है कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ, मैनिपुलेशन इसलिए सीखो ताकि तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। और ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के बारे में मुझे इतनी सारी बातें हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक इस ऑडियो बुक से सीखने को मिली। पहले किसी भी बुक को पढ़ने में मुझे एक महीना लगता था, आज ऑडियो बुक की वजह से ये काम आप सिर्फ एक दिन में कर सकते हो।
हो। और तो और कुकू एफएम पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल है, जिनको सुन के आप अपने आप को खुद से ग्रो कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 99 rupees पर मंथ में। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 99 rupees का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 49 rupees में फॉर द फर्स्ट मंथ। तो अभी जाके डाउनलोड करें कुकू एफएम, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं अगली टेक्निक नंबर 3, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आप किसी के चॉइसेस को लिमिट कर दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिट हो जाती है, और धीरे धीरे आप किसी को भी अपने डिजायर्ड आउटकम पे डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप ये चीज मल्टीपल वेज से कर सकते हो, या तो आप उन्हें लिमिटेड ऑप्शंस दो, या एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दो, या फिर उनके पास पहले से जो ऑप्शंस थे या फिर उनके दिमाग में कोई और नया ऑप्शन आ रहा है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। नहीं समझे, एग्जांपल देके समझाता हूं। अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाई करने लगाना है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? अगर मैं उसे सीधे सीधे कह दूं कि भाई जाके पढ़ाई कर ले, तो जाहिर सी बात है वो मेरी बात सुनने नहीं वाला। यहाँ पे आप उसके साथ एक माइंड गेम खेल सकते हो। आप उसे दो ऑप्शन दे दो, पहला वाला या तो तू जाके पढ़ाई कर ले, या फिर दूसरा वाला घर में कुछ काम पड़े हुए, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, बर्तन धोना है, उसमें मेरा हाथ बटा। अब वो ठहरा एक आलसी इंसान, तो ऑब्वियसली बात है जिस काम में ज्यादा मेहनत लगने वाली है वो उसे छूने भी नहीं वाला, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, जो जाके पढ़ाई करना। एंड ऐसे ही करके आप किसी के भी चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट करवा के उनसे अपना काम करवा सकते हो। ये सारी की सारी काफी ज्यादा रियल लाइफ और प्रैक्टिकल टेक्निक्स है, अगर आप इन्हें सही कामों के लिए यूज करोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा, ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नंबर 4, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पे सामने वाला आपके किसी भी पास्ट मिस्टेक या फिर आपकी कही गई किसी बात को यूज करके आपको गिल्टी फील करवाता है। अब दुनिया में दो टाइप के इंसान होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ थोड़े कम। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है इमोशनल लोगों पे, क्योंकि जब भी आप किसी इमोशनल इंसान को गिल्टी फील करवाओगे तब वो अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर देगा और उसके बाद वो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसे पहचाने कैसे? तो कई बार जब इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वो इन सारे वर्ड्स को यूज करता है, नहीं यार तूने उसके साथ बहुत गलत किया, ये सही नहीं हुआ भाई तेरे साथ, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। अगर आपने कभी किसी कन्वर्सेशन में ये लाइन सुनी तो भाई समझ लेना कि आप पे कोई गिल्ट ट्रिप टेक्निक का यूज कर रहा है। नंबर 5, मैनिपुलेटिव निगोशिएशन। अब ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज करते हैं दुकानदार और सेल्समैन, क्योंकि उनका काम ही होता है चीजों को बेचना और निगोशिएट करना। सर कपड़े की क्वालिटी देखो सर, दो हाथियों ने मिलके भी खींचा तो भी नहीं फटेगा, एकदम A1 पीस है सर, एकदम A1। ये दाग नहीं है सर, ये तो डिजाइन है, नया फैशन है मार्केट में, ट्राई करके देखो सर, आप पे बहुत अच्छा दिखेगा, चिंटू को पूछ लो। यहाँ पे सामने वाला कई सारी डिसेप्टिव टैक्टिक्स यूज करता है आपको चीजें बेचने में। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपको ये टेक्निक 100% सीखनी चाहिए। और अगर आपको मैनिपुलेटिव निगोशिएशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो अभी जाके कमेंट में मुझे बता देना और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। नंबर 6, एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी आसान शब्दों में बात का बतंगड़ बनाना। यहाँ पे सामने वाला किसी भी छोटी चीज को लेके एक बहुत बड़ा इशू बना देता है और आपके सामने फियर और अर्जेंसी डेवलप करता है। अब ये टेक्निक आपको रियल लाइफ में देखने मिलेगी वहां पे जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस जाके खड़े रहना है और दूर से तमाशे को देखना है। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इशू तो इतना सा ही था, लेकिन इन दोनों ग्रुप से मिलके इसे इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया कि लगने लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा इशू होगा। छोटा सा स्क्रैच तो है सर, छोटा सा स्क्रैच, अबे पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, बच्चे से ज्यादा प्यार किया मैंने गाड़ी से, तू कह रहा है छोटा सा स्क्रैच है? अभी तक गाड़ी को ऐसे टिका के रखा था जैसे नई शोरूम से निकली हो और तूने आके इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा, अब इसके पैसे कौन देगा? तू देगा पैसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिलियन मैनिपुलेशन। अब कमिलियन मैनिपुलेशन को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आप इसे पकड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला आपके लाइक्स आपके इंटरेस्ट को रेसिप्रोकेट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है और ऊपर से मुझे विराट कोहली पसंद है और सामने वाला भी ये कह रहा है कि मुझे क्रिकेट में विराट कोहली सबसे ज्यादा पसंद है, तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी बातें, तुम्हारा कन्वर्सेशन एक्सटेंड होने लगता है, तुम उस इंसान से ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आपको एक सिमिलर इंटरेस्ट वाला टॉपिक मिल गया बात करने के लिए। और कई बार मैनिपुलेटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं, वो आपके इंटरेस्ट को, आपके लाइक्स को, आपके डिसलाइक्स को अपना कहेंगे। आप चाहे कुछ भी कह दो, सामने वाला कहेगा भाई एकदम सेम मुझे भी यही लगता है, मैं भी अभी यही सोच रहा था। इस टेक्निक में बेसिकली सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को मिरर करता है, क्योंकि उसे पता है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सामने वाले के क्लोज सर्कल में घुसने का। तो ये थे कुछ 7 ऐसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो आपको आज के आज जरूर सीखने चाहिए। ये आपको मैनिपुलेट होने से बचा भी सकते हैं और कई बार कई सिचुएशंस में आपका फायदा भी करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारी टीम बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा मेहनत करती है इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे लिए नहीं लेकिन उनके लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। लास्ट में मैं आपको एक और बार वापस याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक ये ऑडियो बुक आज के आज जरूर सुनना। आपकी एज कितनी भी हो, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस बुक में जितनी भी सारी टिप्स दी है ये आपके लिए पूरी लाइफ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि वो 5 प्रूवन डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स जो आप लाइफ में यूज कर सकते हो या फिर कोई आप पे कर रहा है तो ध्यान रखना। बट डिस्क्लेमर, ध्यान रखना कि इसको सही से यूज करना, और अगर कोई तुम पे यूज कर रहा है तो सही से उस पर ध्यान भी रखना कि चीजें तुम्हारे लिए खराब ना हो। मोस्ट डिस्क्लेमर यह है कि आप गलत इसका यूज ना करो, बिकॉज मैं मानता हूं अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप एक
अच्छे मकसद पर हो बेसिक। सो चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट इज लव बॉम्बिंग। एक स्टोरी समझते हैं रिया नाम की लड़की की। रिया नाम की लड़की है बहुत स्वीट, लाइक बचपन से काफी अच्छी रही, लेकिन उसको ना अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं मिला, उसको उतना अटेंशन नहीं मिला। वो ना लोगों की क्रेविंग के, लोगों के अपनापन को फील करने के लिए बहुत तरस गई। इसका मतलब वो इमोशनली थोड़ी सी खाली थी, और मेजॉरिटी में से हम लोग ऐसे ही होते हैं। हमारी जिंदगी हम ना फुलफिल फील नहीं करते, बहुत बार हमें लगता है कुछ छूट रहा है, और इस चक्कर में वो इमोशनली थोड़ी सी अनफुलफिल रही, उसको प्यार की कमी मिला, माँ बाप ने उसको कभी वो अटेंशन नहीं दिया, तो वो बड़ी हो गई समय के साथ, बड़ी हुई। उसके बाद एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है, और वो लड़का बहुत शातिर है। वो समझता है इस चीज़ को कि इसे कभी प्यार नहीं मिला, इसे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, इसे कभी इतना प्यार इसने देखा ही नहीं एक्चुअली में। और वो क्या करता है, प्यार की बौछार, प्यार का सारा जो चीज़ है उसको देना शुरू कर देता है। वो लड़की भी ओवरवेल्म होने लगती है, इतना अट्रैक्टिव फील करती है, माय गॉड इतना प्यार मैंने कभी नहीं देखा। और चूंकि वो अकेली थी, उसको लोगों से वैलिडेशन चाहिए था, उसको उस लड़के से वैलिडेशन चाहिए था, तो वो उस लड़की की हर बात मानने लगती है। और लड़का यही चाहता है, उसके ऊपर लव बॉम्बिंग करता है। लव बॉम्बिंग का मतलब इतना प्यार का बौछार करना, इतना करना, इतना करना कि सामने वाला कभी कभी ये सोचता है कि मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों बरसा रहा है। और वो लड़की रिया थोड़ी सी सीधी थी, वो नहीं समझ रही थी इस चीज़ को, और लड़का उससे जो चाहता था वो उससे निकलवा रहा था, लाइक उसकी फिजिकल सेटिस्फेक्शन लड़के की हो या पैसे निकलवाने हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। और रिया अपनी दोनों आंखों को बंद करके बैठ गई थी, वो ये नहीं देख पा रही थी कि ये लड़का बहुत शातिर है एक्चुअली में, और वो उसके प्यार में गिरते चली गई। और लड़के का जब मकसद पूरा हो गया, एक समय के बाद लड़का छोड़कर उसको चला गया, और रिया की हालत खराब, शी इज अबाउट टू सुसाइड। और ये हम में से मेजॉरिटी लोग की कहानी है। हम ना खुद को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई आएगा हमें प्यार करेगा, हमें अपना फील कराएगा, हम इसी का इंतजार करते हैं, और इसको कोई बहुत जल्दी फायदा उठा लेता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोई आपके ऊपर लव बॉम्बिंग तो नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लो आप पहले मीट में किसी से मिलती हो, हद से ज्यादा प्यार दिखाना, हद से ज्यादा अट्रैक्शन देना, हद से ज्यादा अटेंशन देना। आप बोल रहे ही इज नॉर्मल और वॉट, इतना क्यों प्यार कर रहा है। एक लॉजिकल इंसान समझ जाएगा, लेकिन एक इमोशनल इंसान नहीं समझेगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोई आपके साथ खेल तो नहीं रहा है, कोई आपका फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा है। और यही होता है लव बॉम्बिंग को समझना। अगर क्या होता है, रिया खुद में कॉन्फिडेंट होती, वो बोलती कि ठीक है कोई आए कोई जाए, आए तो अच्छी बात है, हम एक और एक के 11 बन जाएंगे, लेकिन मैं कमी नहीं फील करती हूँ, मैं खुद में सेटिस्फाई हूँ, खुद से जिंदगी के साथ में खुलकर जीती हूँ। और इमोशनली वो कभी खाली नहीं होती, तो कोई उसको भरने के लिए इतना उसका फायदा नहीं उठाता। और ये हम सब की कहानी है, आपकी भी होगी, आपने ये चीज़ किया होगा, किसी के ऊपर हद से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट हो गए थे। मेरा भी एक वक्त आया था कि मैं अपनी पावर ही भूल गया था, अपना कि मैं क्या कर सकता, और मैं बोल रहा था, और मैं सारी वैलिडेशन एक लड़की से ढूंढ रहा था, एक इंसान से ढूंढ रहा था, कोई मुझे दे दे आकर, कोई मुझे एक्सेप्ट फील करवा दे, कोई मुझे अपना फील करवा दे। क्यों? सो कुछ भी हो जाए, अपने आप को इमोशनली फुलफिल रखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा गाओ, अच्छा नाचो, अच्छा काम करो, इंजॉय करो, ताकि तुम खुद में सेटिस्फाई हो, कोई आएगा तो तुम दोनों मिलकर और चीज़ों को बड़ा करोगे, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बन जाओ। और ये लव बॉम्बिंग सिर्फ प्यार मोहब्बत में वैलिड नहीं है, बहुत जगह कहीं भी देखो कि लोग तुम्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं ना, तो एक बार रुको और सवाल करो, क्या रीजन है, क्यों ये इतना ज्यादा ऐसा कर रहा है, मतलब जो तुम्हें अननेचुरल लग रहा है, मतलब नेचुरल ठीक है, स्लो प्रोसेस के साथ हो रहा है तो अच्छा ऐसा ही है, पर तुम्हें एक अननेचुरल की बू आ रही है, स्मेल आ रहा है, तो यू आर और यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू हैव टू गेट डाउन की चीजें कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक, गैस लाइटिंग, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, हर जगह वैलिड है। गैस लाइटिंग का सिंपल मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब इसको पहले एक एग्जांपल समझते हैं तो ज़्यादा समझ पाओगे। मान लो मेरा नाम राज है, मैं किसी प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, प्रिया बहुत लॉयल है, बहुत मुझसे प्यार करती है, वो थोड़ा सा बहुत चीज़ें मेरी फुलफिल नहीं कर रही, मैं एज अ बॉय थोड़ा ज़्यादा रिप्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उससे डिमांड कर रहा हूँ, बट शी इज़ नॉट फॉर दैट। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बिना बताए उसको धोखा देने के लिए सेकंड में रिलेशनशिप चलाने लगता हूँ साइड से, और इवन चीज़ें इतनी गड़बड़ कर लेता हूँ मैं रिया से कि मैं दूसरी वाली लड़की के साथ फिजिकल होकर भी आ जाता हूँ, तो प्रिया को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है, वो आग बबूला
मतलब कि होता है ना कि इतना क्या बिगड़ गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर पाए, क्या हमारा चीज इतना खराब है कि हम लोग बात नहीं कर सकते, तुम इतने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपनी गलती माननी चाहिए कि कितनी भी चीजें खराब हो, मुझे प्रिया के साथ बैठना था, बातें करनी थी, चीजों को शॉर्ट आउट करना था, लेकिन मुझे स्टेप नहीं लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मैं अगर ये करे बिना ये उसको फील कराता हूँ कि देखो मैंने जो फिजिकल होकर आया ना, मैं तुम्हारी वजह से होकर आया, तुम मुझे प्यार नहीं देती, तुम मुझे अटेंशन नहीं देती, तुम्हारी वजह से मैं सब कर रहा हूँ, तो इससे बोलते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का सिंपल मतलब होता है कि कोई इंसान अपनी गलती को आपके ऊपर डाल रहा है इमोशनली फॉल्ट बताकर कि ये आपकी वजह से हुआ। और इससे क्या होगा पता है, आप गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। यहां पर अगर प्रिया अवेयर नहीं होती, डार्क साइकोलॉजी के बारे में नहीं समझती, तो वो क्या बोलती है, हाँ यार मैं ही ना राज को प्यार नहीं देती हूं, मैं ही राज को अपना नहीं फील कराती, इसलिए वो दूसरे के पास चला गया। क्यों गया? कुछ भी हो, लिमिट हैज टू बी डिसाइडेड, लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये राज ने गलती की है, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इस तरह गैस लाइटिंग काम करता है। तो गैस लाइटिंग सिर्फ यही काम नहीं करता, कहीं भी आप देखो अपनी लाइफ में कोई आपको इमोशनली घुमा तो नहीं रहा है, कोई आपको अपनी गलती को छुपाने के लिए आपके ऊपर गिल्ट ट्रिप तो नहीं डाल रहा है, भाई तू पता है तेरी वजह से मैं यहां नहीं आता, तेरी वजह से ना माँ बाप मुझसे बात नहीं करते। अरे माँ बाप की प्रॉब्लम है वो समझे, मैं क्यों उसमें गिल्ट में हूं? तो ये तभी होगा जब अवेयर रहोगे, जब आप अपने आप को ओन करोगे, नहीं तो कोई आएगा आपको गैस लाइट करेगा। गैस लाइट का मतलब समझो ना, दो वर्ड से बना है, गैस और लाइट, मतलब कोई गैस लाइट जला रहा है मजे ले रहा है, गैस लाइट जला रहा है मजे ले रहा है, और आप अवेयर नहीं हो, अपने आप को कमजोर समझोगे। तीसरा, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है समझो, एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि मुझे एग्जांपल देने बड़ा मजा आता है। मान लो एक रोहन नाम का लड़का है, मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे लोगों का नाम लेता हूं, तो दिल पे मत लेना, एग्जांपल से रिलेट करो, दिल पे मत लेके बोलना कि रोहन ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी मत करना, समझने की कोशिश करो क्योंकि मेरा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ज्यादा। मान लो रोहन नाम का लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज, बचपन से IIT क्लियर, IIM क्लियर, टॉप क्लास जॉब, यू नो सीनियर मैनेजर, CEO बनने वाला है। तो हेलो इफेक्ट कहता है कोई इंसान अगर एक्स काम सही करता आया है तो वाई काम भी वो सही करता आएगा। तो माँ बाप उसके देखते हैं कि अगर ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, डिसिप्लिन है, लोगों से अच्छे से बात करता है, इसकी सब कुछ अच्छा है, ये जॉब अच्छा कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, इज्जत अच्छी है, तो लड़का भी अच्छा होगा, शादी भी इसकी अच्छी लड़की से करवा देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है उसका शादी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। वो लड़का यहां से तो बहुत स्मार्ट था, वो इंटेलेक्चुअल तो बहुत था, पर इमोशनली बहुत भी, वो लड़कियों के प्यार करने के तरीके को नहीं समझता था, वो कम्युनिकेशन को नहीं समझता था, वो लड़कियों से कम्युनिकेट कैसे करते हैं उसे नहीं पता था, वो एम्पैथी नहीं जानता था, इस वजह से उसकी अपनी वाइफ से नहीं बनी और उसका शादी टूट गया। यही होता है हेलो इफेक्ट। ये मत जज करो कि अगर ये चीज होता आया है तो आगे भी यही काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो ना कोई बंदा है जो बैकएंड पे बहुत अच्छा काम करता है, यू नो कंप्यूटर अच्छा चलाता है, लोगों से अच्छा बनाता है, सब अच्छा कर रहा है, तो उसके बॉस ये समझते हैं कि ये लड़का अगर सब काम अच्छा कर लेता है, सब संभाल लेता है, तो वो सेल्स भी अच्छा कर लेगा, उसको सेल्स में बिठा देते हैं फ्रंट पे। बट जिनके साथ उनकी सेल्स डील है वो 20 लाख का सेल है, पर चूंकि उस बंदे को सेल्स का कोई आइडिया नहीं है, पर सब उसको समझते हैं ये बंदा अच्छा है, ये बात कर लेता है, बैकएंड में बहुत अच्छा करता है, सिस्टम अच्छे से मैनेज कर लेता है, तो ये सेल्स में भी अच्छा होगा, टॉकिंग भी अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है, जो होना था सेल्स में वो फेल हो जाता है, कंपनी को 20 लाख रुपए का सेल्स का झटका मिलता है, बॉस सदमे में है, मैंने ऐसा गलती क्यों किया, लेकिन बॉस इस हेलो इफेक्ट को नहीं समझ रहा है। तो आपको भी ये बस सीधा नहीं समझना है कि कोई काम कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है तो ये काम वो बाकी काम भी अच्छा कर ले। जैसे मान लो कि आपने किसी जॉब के बारे में सुना, बहुत अच्छा है, सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, अरे बहुत पैसे देता है, अरे HR बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, आप ये समझ के ये समझ लेते हो कि अगर इसका HR अच्छा है, इसका फाइनेंस अच्छा है, तो इसका मार्केटिंग टीम भी अच्छा हो, आप मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर लेते हो, आपको 3 दिन बाद पता चलता है ये तो बहुत बड़ी स्कैमर कंपनी है, ये तो ठक ठक के पैसे बना रही है। तो रुको और हर चीज को सवाल करो, लिंक मत करो, डिसीजन जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हुक नहीं होना चाहिए, इसी को एंकरिंग भी बोलते हैं। एंकर क्या होता है, जहाज पे देखा है एंकर बड़ा सा होता है शिप का, उसको फेंक के जहाज को वहीं रोकने के लिए यूज करते हैं। तो आपको भी अपने डिसीजन मेकिंग में रुकना है, सवाल करना है, ये नहीं कि अगर पास्ट में चीज होता है, चीज हर जगह वैलिड होता है, यहां भी होगा, नहीं, सवाल करो। और सवाल करने के लिए तुम्हें एक पावर को समझना पड़ेगा कि तुम्हें इस मोमेंट में जीना सीखना पड़ेगा, तुम्हें पावर ऑफ नाउ समझना पड़ेगा, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी की मास्टर हासिल करनी पड़ेगी, वरना तुम हर वक्त हड़बड़ी में ही रहोगे हर वक्त। रुको, सवाल करो, रुको, सवाल करो। इसके लिए तुम एक अच्छी बुक उठा सकते हो, बहुत ही पावरफुल बुक है, द पावर ऑफ नाउ बाय ईकार्ट टोल, बहुत प्यारी बुक है। तुम पावर समझोगे कि क्यों मुझे रुक कर सवाल करना है, क्योंकि तुम्हारी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तुम हर वक्त हड़बड़ी में रहते होगे, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते होगे, बाद में पछताते होगे मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, पर रुको और सवाल करो। ये मैं भी अब प्रैक्टिस करता हूं, मेरे डिसीजंस काफी बेटर हो गए पहले से। फोर्थ वन, डिकॉय इफेक्ट। कभी सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न लेने की कोशिश किया है,
जब इंटरवल होता है तो आपने एक चीज़ देखा होगा, स्मॉल साइज़ के पॉपकॉर्न का प्राइस होता है 100 रुपये, बड़े वाले का 220 रुपये, मीडियम वाले का 200 रुपये। तो आप सोचते हो कि अगर स्मॉल 100 में आ रहा है और मीडियम 200 का, तो क्यों ना मैं 20 रुपये और लगा कर ये बड़ा वाला खरीद लूँ ना, ऑब्वियसली सेंस भी बनता है। और एक्चुअली में वो मूवी हॉल आपको वो बड़ा वाला ही बेचना चाहती थी, पर जो बीच वाला ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं डिकॉय, मतलब कोई काम का ऑप्शन नहीं पर रखा जाता है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ मैं एक फोटो लगा रहा हूँ, बताओ कि तुम कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीदोगे। एक है $32 का प्रिंट सब्सक्रिप्शन, एक है इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, एक है इंटरनेट प्लस प्रिंट सब्सक्रिप्शन। तुम देखोगे इंटरनेट वाला जो सब्सक्रिप्शन है और इंटरनेट प्लस प्रिंट का जो सब्सक्रिप्शन है, दोनों का प्राइस सेम है। तुम बोलोगे आदित्य मैं क्यों ही लूँ, स्मॉल लेने का कोई फायदा नहीं, और जब बड़ा लेना है तो सबसे बड़ा लूंगा, मीडियम क्यों लूंगा, तो सेम प्राइस का है और इसमें मुझे दोनों ऑफर मिल रहा है तो मैं वही लूंगा ना। और यही तो होता है, जब सर्वे किया गया तो यही पाया गया 100 पार्टिसिपेंट के ऊपर, उसमें से 16 लोगों ने शॉर्ट वाला लिया और 84 ने बड़ा वाला लिया, बीच वाला किसी ने नहीं लिया। और कंपनी को पता है, वो जानबूझ के इस ऑप्शन को रखते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा वाला बेचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके सामने सिर्फ स्मॉल और बड़ा रख दिया गया तो आप बोलोगे बड़ा बहुत प्राइसी है, स्मॉल ही सही ले लेते। लेकिन डिकॉय रखने से आपका दिमाग सडन नए पैटर्न बनाता है, बोलता है कि यार ये क्यों ही लेना, बड़ा लेते हैं फायदा है, बीच वाला तो मैं लूंगा नहीं। और ये हर बार आपके साथ होता है, और हम ह्यूमंस कंपैरिजन पे ही चलते हैं। आप कितने बोलो कि मैं कंपेयर नहीं करता हूं, मैं कंपेयर नहीं करता, मैं ठीक हूं, इसीलिए मैं अपने वीडियोज में बार बार चिल्ला के बोलता हूं कि आपको कंपेयर तो करना है, लेकिन ध्यान रखना है खुद के साथ, खुद के साथ करो कम। जैसे कि आप भी अगर कोई कमेंट मेरे ऊपर लिखते हो मेरे वीडियो के ऊपर कि आदित्य सर बहुत अच्छा वीडियो था, मजा आ गया, आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप YouTube पे बहुत सारे क्रिंज कंटेंट देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आ जाती क्रिंज में, तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन बना रहे होते हो कि आदित्य का वीडियो उसके कंपेयर में काफी अच्छा है। या फिर आपको कोई कार लेना है, आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि लूंगा ना फरारी लूंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये सब मारुति वारुति ना मिडिल क्लास है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा हायर में चाहिए। आप कंपेयर हर वक्त कर रहे हो और इस चीज का फायदा कंपनी बहुत अच्छे से उठाती है। लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक, दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट। हम इंसान वायर्ड हैं भीड़ को फॉलो करने के लिए। एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि आप दिल्ली की किसी गली में भटक गए, ठीक है, अब आपको नहीं पता कहां निकलना, तो अब क्या करोगे पता है, आप एक देखोगे बहुत सारा भीड़ जिस तरफ जा रहा है, भीड़ के पीछे पीछे लग के उसके पीछे पीछे चले जाओगे, और आप कहीं ना कहीं आपको पता है कि जहां भीड़ जा रही होगी वो बाहर की तरफ ही जा रही होगी, मैं भी निकल ही जाऊंगा। इसी को बोलते भीड़ को फॉलो करना। तो आज से 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले हमारा सर्वाइवल, हमारा जिंदा होने के चांस इसी पे डिपेंड था कि हम लोगों के साथ कैसे मिला के चलते हैं। अगर हम अपने ट्राइब के खिलाफ थोड़ा भी बगावत करते, हमें ट्राइब बाहर निकाल के फेंक देता। और ट्राइब से बाहर निकलने का मतलब पता है, आपको कोई जंगली शेर मार के खा जाता, आपको कोई दूसरा ट्राइबल अटैक कर देता। अकेला रहना सबसे बड़ा खतरनाक काम था आज से 1,000 साल पहले, लेकिन आज की दुनिया सेफ है, आज आप डिसीजन मेकिंग खुद के लेते हो, और तभी बहुत सारा पैसा नाम फेम बनाना इतना मुश्किल है। क्यों है पता है, क्योंकि वहां पर अकेले चलना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, अकेले सोचना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, अकेले रातें मरनी पड़ती है, अकेला दिन रात एक करना पड़ता है, जहां मेजोरिटी लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको भीड़ में रहने की आदत है। तो इस साइकोलॉजिकल हैक के अकॉर्डिंग आपको हर बात भीड़ की नहीं माननी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, रुकना है, सवाल करना है, रुकना है, सवाल करना है, क्या ये भीड़ कर रहा है सही है, पर क्या ये मेरे लिए सही है। जैसे कि मान लो आप कोई मैच देख कर रहे हैं, 1,000 लोग बोले विराट कितना घटिया खेला, विराट एकदम घटिया प्लेयर है, तुम्हें बेवकूफ की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, वरना तुम्हारा इस चैनल को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें रुकना और सवाल करना है कि अच्छा विराट ने अच्छा नहीं खेला, हो सकता है उसका फॉर्म गलत हो, हो सकता है वो स्ट्रोक जो खेलना चाह रहा हो बॉल का एंगल उस तरह से नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा रुक कर सवाल करो, जस्ट एज इट इज मत मानो। आज की दुनिया इंडिपेंडेंट लोगों की है, खुद पे भरोसा रखना सीखो, खुद के डिसीजंस लेना सीखो, लोगों की सुनो सब करो, लेकिन जब डिसीजन लेना है खुद के लिए खुद डिसीजन लेना सीखो, तुम खुद देखोगे गेम तुम्हारे लिए पूरी तरह चेंज हो रहा है। इस तरह ये बैंडवैगन इफेक्ट काम करता है। इस पर एक और लास्ट एग्जांपल सुन लो, तुम पूरा रिलेट कर लोगे। बिग बिलियन डे देखा है फ्लिपकार्ट का, वहां पे क्या होता है कभी नोटिस किया है, वो क्या बोलते हैं, इंडिया शॉपिंग कर रहा है, आप कहां है, सेल चल रहा है, जल्दी ले लो, क्या वो इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो इतना सारा भीड़ ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तुम क्यों पीछे हो, तुम भी आ जाओ ना। या फिर एक आपने लाइन सुना होगा, डेंटिस्ट नंबर 1 रिकमेंडेड टूथपेस्ट, मतलब सारे डेंटिस्ट का सुझाव, क्या कह रहे हैं कि सारे डेंटिस्ट की कम्युनिटी की बात बोल रही है तो गलत तो नहीं होगा, तुम्हें भी करना चाहिए, लेकिन तुम रुक के बोलोगे जो डेंटिस्ट बोल रहा है बोलने दो, मेरे दांतों में सड़न है नहीं, मेरे दांतों में तो सेंसिटिविटी है, तो मुझे सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट चाहिए ना कि सड़न के लिए। इस तरह तुम रुक के सवाल करते हो, भीड़ को फॉलो नहीं करते हो। तो कैसे लगे सारे के सारे डार्क साइकोलॉजिकल हैक मुझे जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, तुम्हें पता है ये बात, शेयर जरूर करो व्हाट्सएप के ऊपर, सबको अवेयर करो, तुम्हें पता है कितने पावरफुल वीडियोस जाते हैं, लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं।
और साथ में सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियोस को चेकआउट कर लेना और लगे कि वीडियोस तुम्हारी हेल्प कर रही है, तब सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियोस में, कोई अच्छा टॉपिक हो सजेशन में जिसके थ्रू सबकी हेल्प हो सकती है, लेट मी नो। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।